दोस्तों, एड़ियों में होने वाला दर्द आजकल एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन और एक आम समस्या बनती जा रही है। जब भी मैं वीडियो के नीचे आने वाले कमेंट्स को पढ़ता हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं कि सर, हमारी एड़ियों में दर्द रहता है, हमारी पिंडलियों में दर्द रहता है, सो प्लीज़ आप हमें उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं इसके बारे में एक वीडियो बना करके बताइए। सो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे नेचुरल घरेलू नुस्खों के बारे में जिन्हें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपकी एड़ियों में होने वाला जो दर्द है उससे छुटकारा जरूर मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी हम समाधान की बात करते हैं तो उससे पहले हमें बात करनी होती है समस्या की, और समस्या क्यों होती है, समस्या के क्या कारण होते हैं। और जब यह समझ में आ जाता है तो हमारे लिए यह बहुत आसान हो जाता है कि हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना। सो मेक श्योर, अगर आप भी अपनी एड़ियों में होने वाले दर्द को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, सो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा और साथ ही साथ जो मैं आपको टिप्स दूंगा वो इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से अपनी एड़ियों में होने वाले दर्द से निजात पा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल के बटन को हिट कर दीजिएगा, और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमाथेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं एड़ियों में होने वाले दर्द की तो इसकी होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न होता है वो होता है हमारे पैर के तलवे में जो हिस्सा हल्का सा अंदर की तरफ होता है, हल्का सा आर्च रहता है, उस आर्च को जब पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिलता तो उस आर्च पर जो है वो लोड बढ़ता जाता है और शरीर उस लोड को धीरे धीरे हमारी एड़ी पर ट्रांसफ़र कर देता है, और जैसे ही वो लोड एड़ी पर ट्रांसफर होता है तो हमें एड़ी में दर्द होना शुरू हो जाता है। और ऐसे सिचुएशन स्पेशली उन लोगों के साथ होती है या उन महिलाओं के साथ होती है जो बहुत लंबे समय तक खड़े रहने का काम करते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा दौड़ने का काम करते हैं, या फिर अपने पैरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, कभी भी कोई भी ऐसे ही फुटवेयर चूज कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके पैरों में वो फुटवेयर सुंदर तो दिखता है लेकिन वो पैरों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं। लेकिन अगर मैं रिस्क फैक्टर की बात करूं तो अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको एड़ी में होने वाले दर्द का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा देना शुरू कर देगा। अगर आपको अर्थराइटिस या रिमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो भी आपकी एड़ियों में दर्द होना ज़्यादा शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की स्पाइनल इंजरी हुई है जिसके अंदर आपका नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो उस नर्व्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आपकी एड़ियों में दर्द हो जाता है। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी एड़ियों में दर्द हो रहा है तो आप सबसे पहले तो इन रीजंस को सॉर्ट आउट कीजिए। अब बात आती है कि अब और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने रूटीन में शामिल करें और अपनी एड़ियों में होने वाले दर्द से निजात पाएं। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि आप कुछ ऐसे शूज़ का सिलेक्शन करें या ऐसी चप्पलों का सिलेक्शन करें जिससे आपके पैर के तलवे का जो आर्च है उस आर्च को अच्छे से सपोर्ट मिले। जब उस आर्च को अच्छे से सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपका जो पैर है उसमें बहुत ज़्यादा लोड अब नहीं आ रहा है और एड़ी का दर्द धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब अगर आप ऐसे फुटवेयर्स देखने जाओगे मार्केट में तो जनरली नहीं मिलते हैं। सो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे एक आम फुटवेयर को एक अच्छा सपोर्ट देने वाले फुटवेयर में कन्वर्ट कर दे। सो ऐसी कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको ऑर्थोजॉय का जो इनसोल आता है, जो कि पूरी तरह से जेल बेस्ड है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑर्थोजॉय का जो ये जेल बेस्ड इनसोल है ये आप किसी भी जूते के अंदर डाल करके उसे एक बहुत अच्छा सपोर्टिव शूज बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपके उस आर्च को पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा और धीरे धीरे जब ये सपोर्ट बढ़ने लगेगा तो आपकी एड़ी पर आने वाला जो प्रेशर होता है वो कम होने लगता है।
अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो ये अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको मदद करके देगा, अगर आपको ऑर्थोपेडिक पेन रहता है, आपके घुटनों में दर्द रहता है तो ये आपको हेल्प करके देगा, अगर आपके आर्च में पेन रहता है तो ये आपको मदद करके देगा, एंकल पेन है, बैक पेन है, घुटने का दर्द है या हील पेन है तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करके देता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसके अंदर जो आपको इंसोल मिलता है उस इंसोल को आप अपने शूज़ के आकार के हिसाब से कट कर लीजिए और अपने पुराने जो शूज़ के अंदर जो इंसोल लगा हुआ है उसे हटाइए और उसकी जगह पर इसको डाल दीजिए, और जब आप इसे डालने के बाद अपने जूते को पहनोगे तो आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आपके वही पुराने वाले जूते हो गए हैं जो अब आपके पैरों को पूरी तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं और बहुत आसानी से आपकी एड़ी के दर्द को गो वेंट गॉन कह रहे हैं। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, मेक श्योर एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अब अगर हम दूसरे टिप के बारे में बात करें तो दूसरे टिप पर आती है एक चीज़ जिसके लिए आपको अपनी एड़ियों में स्पेशली रात को सोते समय एक कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है जो कि अरोमा ऑयल्स पर बेस्ड है। आपको इसके लिए लेना है लगभग 100 ml के आसपास कैस्टर ऑयल और इस कैस्टर ऑयल के अंदर आपको मिलाना है लगभग 10 ml के आसपास लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर अरोमा ऑयल। जब आप इन दोनों को मिला लेते हो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब लीजिए, आपका हील पेन रिलीविंग ऑयल बनकर के तैयार हो गया है। अब इस ऑयल को रात को सोने से पहले लगभग 10 से 12 ड्रॉप्स लेकर के अपनी एड़ियों के ऊपर और पिछले हिस्से पर बहुत अच्छे से आप मसाज कीजिए और मसाज करने के बाद में आप कोई भी कॉटन का कपड़ा रैप करके इस जगह पर सो जाइए ताकि ये ऑयल जो है ये आपके मैट्रेसेस में, आपके गद्दों में, आपके बेडशीट्स में ना लगे और ये आपके पैरों के अंदर जा करके आपके पैरों के दर्द को आसानी से ख़त्म कर सके। तो ऐसा अगर आप रोज करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तीसरा जो उपाय आता है वो आपकी एड़ियों के दर्द को एकदम जड़ से ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। तो इसे बनाने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। नंबर वन, हमें चाहिए ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है वो एक आयुर्वेदिक हर्ब है जिसे ये कहा जाता है या ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये जितनी भी हमारी नर्व्स होती हैं उनको ये रिलैक्स करता है। जितनी ज़्यादा हमारी नर्व्स या हमारे स्नायु तंत्र रिलैक्स्ड होंगे उतना ज़्यादा अच्छे से हम हमारे शरीर के अंदर जो मैसेजिंग है, एक शरीर के हिस्से से दूसरे शरीर के हिस्से तक जो मैसेज पहुंचाने की जो स्पीड है उसको बेहतर बना पाते हैं। सो मेक श्योर कि ब्राह्मी आपको यहाँ लेना है 50 ग्राम। नंबर दो जो इंग्रेडिएंट हमें यहाँ पे चाहिए वो चाहिए आंवला। आंवला जो है उसे आयुर्वेद के अंदर रसायन कहा जाता है क्योंकि ये पुरानी से पुरानी जो बीमारियां हैं उनको वापस से रिवर्स करने में हमारी मदद करता है। सो आंवला का पाउडर आप यहाँ ले लीजिए, वो हमें लेना है लगभग 100 ग्राम। और नंबर तीन जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है काले तिल। काले तिल जो है उनके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमारी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी मसल्स को जो टोनिंग इफेक्ट चाहिए वो देता है और हमारे शरीर के अंदर जहाँ कहीं पर भी पेन रिलीविंग के रिसेप्टर्स काम कर रहे होते हैं उन रिसेप्टर्स को ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। सो पेन रिलीविंग रिसेप्टर्स को अगर आपने एक्टिवेट कर दिया तो आप समझिए कि आपका दर्द तो बहुत आसानी से आप छूमंतर कर सकते हैं। सो काले तिल जो है वो भी हमें यहाँ पे 50 ग्राम लेने हैं। सो हमने लिया है 50 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम आंवला पाउडर और 50 ग्राम ब्राह्मी। अच्छे से इन तीनों चीज़ों को मिलाइए और एक बढ़िया सा पाउडर बना लीजिए ग्राइंडर की मदद से। अब इस पाउडर को रोज़ आपको लेना है दिन में 2 बार, एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को। अगर आप इसे दूध के साथ लेंगे तो जल्दी असर करेगा और अगर आपको दूध नहीं बचता है तो आप इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन पानी के साथ इसके रिजल्ट्स 80% हो जाते हैं जबकि दूध के साथ यह 100% हमें बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। सो मेक श्योर कि इन तीनों नुस्खों को जो मैंने आपको बताए हैं इन्हें ज़रूर आप ट्राई कीजिए एंड जब आप इन नुस्खों को ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एड़ियों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा और आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से कदम मिलाते हुए अच्छे से चल पाएंगे। सो मेक श्योर आपको जो भी रिलीफ मिलते हैं या जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं उनके बारे में हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स ही बताते हैं कि एग्जैक्टली आपको जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं वो आपके लिए क्या कुछ काम करती है। आपका प्यार आप हमें जैसे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।